माउंट टॉपिंग में भी मतलब उनका अभी जैसे कार्य चल रहा है, तो ओम राधे मम्मा का मतलब प्रत्यक्ष में अभी जैसे मतलब नौ देवियों में जैसे प्रवेश करके कार्य कर रही हूँ, संगम युग में जो भक्ति मार्ग में जो पूजा हो रही है वो कैसा होगा? संगम युग में जैसे भक्ति मार्ग में मतलब देवियों का जो पूजन हो रहा है तो उनकी प्रत्यक्षता मतलब भक्ति मार्ग के द्वारा होगी, लेकिन नंबर वार है कि एक जैसी है? नंबर वार है एकदम सात्विक स्थिति वाली देवी कौन है? सात्विक स्थिति वाली है वो कही जाती है पार्वती, फिर नंबर वार है पर चंडिका देवी भी महाकाली कहते हैं, तो अभी अभी दिखाई नहीं पड़ रही। एक है वर्ण मदर, कोई अकेली नहीं है, सैकड़ों भुजाएं हजारों भुजाएं उनकी सहयोग करने वाली, हजारों भुजाएं अचल संग्रहणी के रूप में का धंधा क्या है? असरों का संग्रह करना। देवी की दो रूप दिखाई दे, कौन सी रूप और विकराल रूप, कौन सा अच्छा लगता है? सम रूप अच्छा लगता है, लेकिन जो देवता स्वभाव के होंगे उनको सम रूप अच्छा लगेगा, जो राक्षसी स्वभाव के होंगे उनको विकराल रूप अच्छा लगता है। मुझे बोला है देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय, कौन सी देवी की पुजारी रावण संप्रदाय बताए? जो विकराल रूप धारण करती है, सौम्य रूप वाली देवी जो शाकाहारी देवी दिखाई जाती है, एक मांसाहारी और एक शाकाहारी, जो शाकाहारी है वो तो अपने पर जिला करती ही नहीं किसी को, किसी तरह भी घुमा देती है बुद्धि बाप की तरफ घुमाती है। देख होती है तभी देखा ना आता है, लेकिन अभी टीवी में उसमें डिस्कशन में सुना कि ज्यादा देखान सूक्ष्म शरीर में होता है, तो सूक्ष्म शरीर तो उसको तो कुछ शरीर तो होता नहीं, वो तो एक आकृति होती है, इसका इसका समझ में नहीं है सूक्ष्म शरीर में कैसे देखान ज्यादा होगा? क्योंकि जितनी ज्यादा सूक्ष्म होगी उतनी ज्यादा पावर गुण होगी, देह के पांच तत्व भी जितने ज्यादा सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, शरीर तो सूक्ष्म हो गया छोटा हो गया, शरीर जो है कि पांच तत्वों का बना हुआ एक फूल है, देह भी छोटी हो गई, नहीं शरीर भी छोटा हो गया, इसके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा आत्मिक स्टेज में तो बिंदु है, लेकिन जो उसका बड़ा रूप है वो सूक्ष्म शरीर है, वो आवरण है, अनेक जन्मों के पापों का आवरण बनता है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर वो ही धारण करते हैं जिन्होंने ज्यादा पाप किए हो, और योग बल से इनके पाप भस्म नहीं होते। सूर्यवंशी आत्माएं हैं जो 84 जन्म लेने वाली हैं, वो अपने पापों का आवरण याद से खलास करेंगे, उनका बढ़ेगा, बीज रूप आत्माएं हैं, और जो बीज रूप है ही नहीं कम जन्म लेने वाली है उनका सूक्ष्म शरीर का आवर रह जाता है, तो खुद को भी दुखी करता है और दूसरों को भी भटक भटक के दुख देते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कैसे मैं सजनी कभी नहीं बनता है, तो क्या द्वापर में भी तेरे जन्मों में भी बाबा तो फिजेल पार नहीं कर सकते? संगम की बात है। अच्छा, जो बाप जिस तन में आते हैं वो कोई की सजन नहीं हो जाता है, और बाद में भी फिर जिसमें आते हैं उसको आप कमल बना के जाते हैं, इसका मतलब उसके अंदर भी ये संस्कार रहते हैं कि अगर स्त्री चोला धारण भी करेगा तो मतलब सेम पार्ट बने करते हैं, बनते हैं। हाँ जी बाबा, अभी आपने जो बोला ना भीतर भीत मतलब दीवार, तो एक भीत चित्र भी बोलते हैं,
दीवार के ऊपर बनाई जाने वाली चित्र, दीवार के ऊपर जो चित्र दीवार के ऊपर बनाई जाती है उनको कहते हैं भीत चित्र। अच्छा, और डिक्शनरी में हमने देखा भीत चित्र लिखा था डरावने चित्र, डरावने चित्र उसमें लिखा था, डरावने चित्र बनाए जाए वो डरावने में उधर से डिक्शनरी बनाने वाले तो मनुष्य ही है ना, कोई ज्यादातर विदेशी लोग हैं, कोई पैसा नहीं था जो। बाबा कहते हैं कि कंकाल आएगा माउंट आबू में, माउंट आबू में आएगा, नहीं माउंट आबू में जाने के लिए, जाने के लिए जो पहली ट्रेन पकड़ लेगा वो पहुंच जाएगा, बाकी का विनाश हो जाएगा। सन 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ये चीज समझ में आ गई बाबा ने। सेकंड पॉइंट है कि जब बाद में बोलते हैं कि लंबी लाइन लगी रहेगी आने जाने वालों को, सत्यता हो जाएगी आने तो आने जाने वालों की लंबी लाइन लगी रहेगी, लेकिन ट्रेनें तो चलेंगे ना उसके बाद। वो 47 में जो हुआ वो लगातार थोड़ी चलता रहा, थोड़े समय के लिए हुआ, वो बात खत्म, फिर उनको पहुँचना था वो पहुँच रही। ट्रैफिक बाद में खत्म नहीं होता, ट्रैफिक चलता रहता है, कुछ आत्माओं जिनको आगे जाना था वो चले गए, फिर विनाश शुरू हो जाएगा तो फिर इतना टाइम ही कहाँ मिलेगा, नहीं भक्त लोग समझे तो भक्ति के भक्ति ही रह जाएंगे, फिर बस एक बार दीदार कर जाएंगे। तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे माने किसके वो अपने कांटों को बनाता है क्या? नहीं, तेरे किसको लिए जाती है? प्रजापिता की। हाँ, जो बाप भी तेरे प्रजापिता को कहता है, और हम बच्चे भी तेरे प्रजापिता को, वो उसी को कहते हैं, उसी के कांटे भी होते हैं, उसी के फूल भी है, वो ही कांटे भी बनाता है, वो फूल भी बनाता है, शिव बनाता है आत्मा तो दो अलग अलग है, शिव क्या बनाता है? देवताएं बनाता है, दैत्य बनाता है, देवताएं बनाता है, और जो दुनिया का बड़े से बड़ा दैत्य बनता होगा वो क्या बनाता होगा? दैत्य भी बनाता है तो देवता भी बनाता है। तो कांटे कौन है मतलब? जो जिनको कांटों को सरल करके रखता है तो तेरे ही है ना। जमुना के किनारे जो बैंकोट बने हैं उसमें जो रहने वाले हैं तो उसका जो रहन सहन कपड़ा रहना उठना बैठना वो कंटिन्यू वही रहेगा, जो नया होगा एकदम जो पहले जिस तरह रहते हैं या एकदम बदले हो जाएंगे? नहीं, सब कुछ नया पहले कपड़े को पहनेंगे ना। कपड़े किसके पहने जाते पहले? नहीं वो ठीक है, पूरा सतयुग आ जाएगा वो फिर, लेकिन पूरा पुरानी दुनिया भी रहेगी। कपड़े पहने किस लिए जाते हैं? लेकिन पुरानी दुनिया भी तो रहेगी। आप जवाब तो दीजिए। ठीक है, देवान है ही नहीं तो बच्चे को छुपाने की जरूरत है? बच्चा बुद्धि लेकिन उसको चंदन जो चल रहा होगा बच्चे तो पूरा नहीं आया होगा, मतलब है कुछ है थोड़ा मेरा वो चीज नहीं है सर जी, मतलब ठीक है वो है कि भाई जनसंख्या में स्थापन होगा जब 2108 की पूरी जनसंख्या हो जाएगी, वही मेरा थोड़ा टेम्परेरी जो पीरियड है वो जो 18 साल का उस 2108 का संपन्न स्टेज में पहुँच जाए। 18 साल के पीरियड की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो खैर वो है ही पूरे बन जाएंगे, चंद हो जाएगा, सारे आत्मिक स्थिति में हो जाएंगे, ये वाणी नहीं है तो सोल कॉन्शियसनेस बॉडी का सवाल ही पैदा होता है। ठीक है, ये सोल कॉन्शियसनेस तो तभी ही बनेंगे जब इस दुनिया में जो वाइब्रेशन फैलाने वाले असुर हैं वो खराब हो गए, और वो असुर फैले हुए हैं सारी दुनिया में, कितना वाइब्रेशन खराब कर रहे हैं, और जब दुनिया में चारों तरफ हाहाकार होगा, ये मेहरबानियां डालियां टूटेंगी तो कितने मरेंगे, और जो मरेंगे सब सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे, ये भी सोल बनेंगे, तो वायुमंडल और ज्यादा खराब होगा कि अच्छा होगा? और ज्यादा खराब होगा, ऐसे खराब वायुमंडल में कितना भी करो कुछ न कुछ आकर लगता जरूर, फिर जब सब खराब हो जाए तो फिर रह गए
जरूर अच्छा वातावरण है, टोटल प्योरिटी वाइब्रेशन बहुत काम करता है। बाबा जी के ओम राली ममा है, तो जो जैसे आदि में गीता बच्ची, गीता माता का चित्र है, राधा बच्ची का चित्र है, ब्रह्मा बाबा भी थे, राम बाप भी थे, लेकिन उस टाइम राधा बच्ची जो ओम राधे मम्मा है वो तो उनका तो सरस्वती जी की बहन है, उन्हीं ने आती है, चली जाती है, शुरुआत में थोड़ी थी ओम राधे, लेकिन बीच में भी मतलब राम बाप के कनेक्शन में मतलब कभी डायरेक्ट क्यों नहीं है बाबा, बोला है ना मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, बिल्कुल आगे थे, पीछे मंगल बैठे थे, आगे बच्चे हैं, कृष्ण बच्चा है तो बच्ची भी तो पैदा हुई। पहले देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो कौन से देवी देवता? सभी देवताओं की पूजा करते हैं। मोहम्मद के आने के बाद नहीं, मोहम्मद तो 1400 साल पहले की बात है, इस्लामी तो आए हैं 2000-2500 साल पहले। उस समय देवी देवता ही थे भारत में, देवताओं का उससे पहले राज्य था, देवताओं की पूजा होती थी। जब मोहम्मद आए हैं कहीं लगभग 1500 साल के बाद, 1000-1500 साल के बाद मोहम्मद साहब आए हैं, तब उन्होंने आकर के मूर्तियां तोड़वाई, मूर्ति पूजा का खंडन करवाया। उससे पहले तो सारे ही इस्लामी और पूजक थे, अभी भी कितने हैं ऐसे, अभी भी वही पूजा वही इस्लामी है वही करते हैं। जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उसकी निशानी क्या होगी? हाँ तेरी बाप पहचान है, आते ही फट से पहचान है, नहीं ये बात हमको समझ नहीं आती, वो बात समझ नहीं आती, हम नहीं चलेंगे, आए अब तुरंत इंग्लिश मेरा दो दिन में कम्प्लीट फोन दोनों का जो उनका रंग है वो उनको फूक लेता है, जिन्होंने तीन जन्म में लिया ही नहीं है रामकृष्ण की आत्मा से, दूरी दूरी बने रहते। बाबा ऐसे क्यों फीलिंग आती है कि अब रहा नहीं जाता, अब नहीं होता, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम टोटली एकदम खिंचाव ज्यादा हो जाता है, खिंचाव ज्यादा हो जाता है। सेवा हो रही है तो सेवा में हमारा भी हिस्सा बन रहा है ना, तो वैराग आए ना खिंचाव से, पुरानी दुनिया से वैराग आता जाएगा, धीरे धीरे से खिंचाव बढ़ता जाएगा। एक और प्रश्न है बाबा, कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि कुछ भी नहीं है, एकदम बुद्धि जैसे निल में चली गई, आसपास कुछ भी कुछ पता नहीं लगता है, वो योग अवस्था होती है कि योग निद्रा होती है? निल निल में चले गए जैसे कुछ है ही नहीं, और सडनली ऐसे एकदम जागो तो ऐसे लगता है कि अरे ये क्या हो रहा था, बिल्कुल एकदम बिल्कुल उसमें चले, वो ये स्टेज कौन सी होती है? बाटा भी नहीं, आवाज भी नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, नहीं दिखाई तो पड़ता है, हाँ? दिखाई पड़ता है, हाँ? बाबा तो दिखाई पड़ता है, लेकिन उस पता नहीं लगता है कि हम क्या देख रहे हैं, दिखाई पड़ता है लेकिन बुद्धि बिल्कुल सोचती विचारती नहीं है। ये स्टेज कभी कभी बनती है, लेकिन इस स्टेज को क्या कहा जाता है? परमधामी स्टेज। तो बीनू भी है, अच्छी है सबकी, एक बीनू की स्टेज ऐसी भी बनेगी कि हम जो संकल्प करेंगे वो सब तक सब संकल्प सिद्ध हो जाएगा, और ज्यादा संकल्प उठेंगे भी,
वो कब बनेगी बाबा? कर्मों का हिसाब किताब खींचता है बुद्धि उधर मुड़ जाती, कर्म बंधन काटो पहले। नहीं हम लोग भी घटती घटती हैं या कुछ गड़बड़ होती है, जिस तरह से हम लोग ये स्कूल ले लेते हैं कि पूर जन्मों का हिसाब किताब तो है ना, कि ये क्या सही है क्या जन्मों का हिसाब किताब के बहाने कुछ भी करते हैं, कुछ भी कैसे करते रहेंगे, कोई बहाना नहीं लेते हो गया तो गलत बना हुआ है। अच्छा तो कोई भी गलती करता जाएगा बोलेगा पूरे जन्म का हिसाब किताब पूरा हो गया, कोई भी इंसान कोई भी गलती करता जाएगा और अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा तो ड्रामा में था नहीं गलती की ड्रामा में थी तभी तो हुई, तभी तो मने बनाए बंद हो गए। बाबा के आने की खबर से माताओं को कैसे पता लग जाता है बाबा? एकदम संकल्प सबके चलने बैठ जाते हैं कि बाबा आज आने वाले हैं, बाबा आएंगे, बाबा आएंगे। मतलब कल हमने मैंने नोट करके रख लिया, ऐसे ऐसे फोन करेंगे बाबा अगर आ गए कल तो जल्दी जल्दी ढूंढना नहीं पड़ेगा डायरेक्टरी से। और 18 नवंबर लिखा तो कल ही संकल्प करा और अलग अलग टेलीफोन नंबर नोट करके रखे अलग अलग जगह के मोबाइल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, संकल्प किया और पहुंचा और ऐसे तरह अनुभव होगा जैसे सामने खड़े खड़े बात कर रहे हैं। अभ्यक्त बनने के लिए कितना जब दबाव देते हैं। अभी बांग्लादेश में बाबा बहुत साइक्लोन हरी के उसने बहुत ज्यादा इफेक्ट करा है, इतना मतलब 450 किलोमीटर की रफ्तार से वो आया है हरिकेन और इतना तहस नहस कर दिया है कि वो मतलब मिलिट्री के लोग भी वहाँ तक पहुँचने को, तो ये विनाश की तो शुरुआत है ना, विनाश तो होते ही रहते हैं कि ये भी शुरू भारत देश में भी इसलिए ये फैला हुआ है, पहुँच गया है वहाँ जो ज्ञान पहुँचा हुआ और जो पहुँचाने वाले हैं वो उसको रूप ही बदल करके पहुँचा रहे हैं। ये जो पूरब साइड में बढ़ते जाते हैं, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, योग का अर्थ ही उल्टा निकाला हुआ है। मनुष्य मनुष्य को बैठ करके राज्य को दिखा रहे हैं एडवांस पार्टी वाले, संगम में ही जब ऐसा वैशाल्य बनाएंगे तो प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि इतने थोड़े से 8-10 दिनों के अंदर दो ऐसे किस्से हो गए, दो ऐसी बात है। ये जो साइक्लोन वहाँ बंगाल में गया है, क्या नाम बांग्लादेश में गया है, वो साइक्लोन आने की खबर तो यहाँ तमिलनाडु तमिलनाडु में
कि तमिलनाडु में जोर से आ रहा है, तमिलनाडु पहुंचे तो पता चला वो तो हो गया, अंडमान देखो आपकी तरफ हो गया, तमिलनाडु फिर बताया कि बंगाल में आने वाला है, जोर से साइक्लोन आने वाला है, भूटान का तेल खतर कर दिया है, नौकर फिर वहाँ पहुँचे तो वो और आने वाले क्या जोर का केस में धुआंधार हो गया उसी तरह डायरेक्शन कर लेंगे। पढ़ाई तो पहले ब्राह्मणों को पढ़ानी है ना, बाबा विनाश के समय आदि आत्मा है पुण्य आत्मा होंगी आदि पाप आत्मा आदि पुण्य आत्मा आदि पाप आत्मा बदलेंगे झाड़ में भी आदि रहती है तो आदि और जो 18 साल का समय है ये 18 साल का समय तपस्या का समय होगा 18 साल का समय 18 से 36 साल जी अभी तो तपस्या चल ही रही है, अगर दुनिया से भी अलग रह के कुछ कम्प्लीट में तपस्या है वो उस पर चलेगी, और जब कुछ आत्माएं बर्फ में दबेंगी और बर्फ में दब के मतलब कि उनके शरीर सुरक्षित रहेगा की बात, हाँ जी संक्षेप की बात वो आखिर में होगा मतलब पूरे 18 साल नहीं होगा, विस्फोट हो जाएंगे जबरदस्त वो सारा समंदर का पानी खोल के ऊपर चला जाएगा, फिर 8-10 दिन की बात होगी बस, हाँ बस 7-8 दिन के अंदर धुआंधार मूसलाधार बरसात। तो इस 18 साल में क्या आत्मा बैंकाउंट में नहीं जाएंगी, कहाँ जाएंगे बैंकाउंट में उनका संगठन अलग हो जाएगा, वो संगठन ही ऐसा होगा जहाँ सुखी जीवड़े होंगे, पहले भी तो कंसर्न कराया बनेगी 18 और 17 वाली बात जो है पहले नहीं आत्मा कंचन बनेगी, शरीर कंचन नहीं बन पाएगा, शरीर तो कंचन 5 तत्व कंचन तभी ही बने जब पूरी शरीर 5 तत्व तभी ही कंचन बने जबकि आत्मा से साक्षी रह जाए, अभी दुनिया में ताम की आत्मा फैली हुई है और ताम की आत्मा हुए ताम की वाइब्रेशन फैले हुए और ये बढ़ते ही जा रहे हैं, अकाली मौत में सही छोड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है घट रही है बढ़ रही है, और जब ऐसा विस्फोट होंगे तो और ज्यादा भूकंप आएंगे मकान टूटेंगे लोग मरेंगे अकाली मौत में, तो ये भूत प्रेतों की संख्या बढ़ेगी घटेगी ऐसा रावण साहब बताया, और ही बढ़ता ही चला जाएगा आखिरी अति होकर के पॉपुलेशन भी और बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन भी बढ़ रही बढ़ती चली जाएगी, कीड़े मकोड़े जैसे पैदा ही होते चले जाएंगे, बैंकों में जाने की बड़ी संगठन की बात है, संगठन ऐसा पावरफुल होगा जिससे एक भी अधिकारी पता ही नहीं चलेगा कहाँ है, पता चलना ही नहीं चाहिए, घर का बेबी अंदर को राक्षस होता है दबा पड़ा दोनों तरफ पावर देता है, इधर की बात उधर करते हैं उधर की बात उधर करते हैं, जहाँ देह के लगाव लगे पड़े हैं वही हम बातें सारी बोल देते हैं, ब्राह्मण परिवार की तरफ ईश्वरी परिवार की तरफ वफादार नहीं रह पाते हैं, छात्रों को घुसने का मौका मिल जाता है, कोई बार छोटी सा बाबा अपने घर के अगर एक ईंट भी दी तो एक ईंट दी तो पूरे का पूरा अंदर कब्जा हो जाता है, लेकिन एक ईंट की तरह ही दूसरी से कितना आसान हो जाता है। भगवान मुरली ने अभी बोला कि ब्रह्मा बाबा जिसके मतलब उनको माया रूप में एक पुरुष है, माया के रूप में कोई ने वो संस्था बना के खड़ी कर दी,
जिस तरह ब्रह्मा बाबा के जो सहयोगी थे विशेष उनको नहीं लिया। ज्यादा वफादार थे उनको किसी को नहीं लिया, और माया ने जो ज्यादा वफादार थे उनको ले लिया। तो जो बनाने वाला था वो भी एक क्या हुआ, माया का रूप है ब्रह्मा बाबा के लिए, उसको तय नहीं कर सके। पुरुष के रूप में कौन था वही जिसने वर्ण निर्मल तत्व बनाया? बाबा तो नहीं पहचान सकती ना, बाबा पर शक्ति उसमें नहीं थी। बच्चे बुद्धि पर शक्ति या निर्णय शक्ति बच्चे में होती है या शरीर में होती है? शरीर बुद्धि में ज्यादा होगी, ब्रह्मा बाबा नहीं पहचान सके रमेश भाई के रूप को ना, कुमार का दादी के रूप को पहचान सके। सितारों में सबसे ज्यादा खाते ही होती है कुमारी की दादी, क्यों खातरी होती है? कौन करने वाला था कुमारी की दादी की खातरी करने वाला? मुखिया कौन था जो कुमारी की दादी की बहुत खातरी करता था और दूसरों से करवाता था? नहीं पहचान पाए। जो अंदर एक और बाहर दूसरा है वो मेरे नजदीक नहीं आ सकता, मेरे नजदीक नहीं आ सकता, अम्मा के नजदीक तो पहुंचेगा। लेकिन हम कर्मयोगी है या सन्यासयोगी है? कर्म भी हो साथ साथ योग और कर्म दोनों साथ है, हमारी प्रवृत्ति है। और अमृत वेला नाम की अमृत वेला, अमृत वेला को कोई धंधा नहीं होता है, धंधा है किसी को करे भी हो जाएगी। अमृत वेले में भी अगर किसी को कोई धंधा है विनाश करने के लिए और बट वैसे स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं है, सबसे मिलते काम काज करते याद करने से ही कोई धंधा नहीं है। जैसे माता है कोई बनाना है रात के 12 बजे 2 बजे 3 बजे बना के रख देंगे तो वो तो उतना अच्छा नहीं है, तो देख लेंगे याद रखें। मैंने चीज नहीं बाबा की निगरों विनाश करने के लिए जो जनन जन्मांतर का पूजा है उसको समाप्त करने के लिए स्पेशल योग अग्नि जैसे बैठ के करना आवश्यक है या चलते फिरते करने से योग होता हो सकता है खत्म? चलते फिरते याद कर रहे हैं इसका मतलब उनकी प्रैक्टिस अच्छी पड़ गई, उन्होंने ज्यादा बढ़िया प्रैक्टिस कर ली। और जो सब बैठ करके याद कर रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस बैठ करके याद करने की पड़ेगी, चलते फिरते याद करने की पड़ेगी? जो गीत लगा के याद कर रहे हैं तो प्रैक्टिस गीत लगा के याद करने की पड़ रही है कि बिना गीत के भी याद करने की प्रैक्टिस पड़ रही है? गीत वही रखे याद पड़ जाती कहने लगता है जो ग्राम बिना लेकिन है क्या नाम क्या है? तो कर्म करते याद आ रही है वो कह याद है या बैठ करके खींच खींच के याद कर रहे हैं याद आ नहीं रही है, तकलीफ हो रही है, चट्टानों में दर्द हो रहा है, तो कठिन योग हुआ या सहज योग हुआ? और यदि समय है तो बैठ के भी आराम कर सकते हैं तो बात दूसरी है। जैसे माता उठा गए कोई काम नहीं याद करें, लेकिन याद भी तभी करेंगे जबकि प्यार होगा, पहचान होगी, और प्यार तो
शरीर के साथ ही होता है कि बिना शरीर के होता है? शरीर के घर के साथ ही प्यार होता है बाबा। एक चित्र में मतलब भारत माता के हाथ में चार ऊपर सिर दिखाए गए, उनकी लगाम मतलब भारत माता के हाथ में दिखाई गई है। चार बाबा सिर नहीं है, ये चार बिंदु पात्रा है, चार बिंदु पात्रा है जिनको ब्रह्मा के सबसे बड़े चार पुत्र कहा जाता है, ये राम के चार भाई कहे जाते हैं, वो चारों शेर नहीं है, है? भारत माता के हाथ में है, आ जाए उसके कंट्रोल में आ जाए हम से कंट्रोल में नहीं है। जैसे योग में रहकर कर्म करे वो तो है कर्म योगी, लेकिन कर्म करते करते ऐसा तो कह नहीं सकते, कभी कभी बाप तो गैप हो ही जाता है बीच में, तो कर्म करते करते कर्म ध्यान आ गए। एक बात सुनो, माँ बच्चे को याद करती है, बच्चा बाहर चला जाता है, बुद्धि उधर जाता है, कर्म करते करते याद नहीं आता बच्चा, ये ऑटोमेटिक याद है, ओरिजिनल याद है, प्राकृतिक याद है, ये आर्टिफिशियल याद है, ओरिजिनल याद है, परमात्मा को ओरिजिनल रूप में नहीं याद कर सकते, मतलब पहचान की कमी है तो कर्म करके याद नहीं कर सकते। कम वही कहा ना कि जैसे करते करते पहचान है, पक्की पहचान है तो कर्म करते भी बुद्धि जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे समय मिलता है और समय मिला, एकांत हुआ, एकाग्रता के साथ याद करे, उस समय बहुत आनंद आता है, बाप से बातें करे, बाबा ऐसा हो रहा है, बाबा ऐसा मेरे मन में ऐसा आता है, वो भी बातें करने से बड़ा, बाप के साथ करने से उसमें भी जो शरीर का थकान, शरीर का टेंशन वो सब भी निकल जाता है, वो भी तो अच्छा यादों में या उसका भी तो ये रहता है ना, जैसे समय मिले तो इस प्रकार भी होता है। अभी जैसे शाम के समय हम ड्यूटी से आते हैं या ड्यूटी में ही हमको ऐसा टाइम मिल जाता है कि हम बैठे हुए हैं, तब हम बाप से बैठ के बाप के बैठने का तो टाइम ही नहीं होना चाहिए, इतनी सेवा पड़ी बहुत अच्छे बाबा ने, शरीर जो है इस शरीर का चप्पा चप्पा इसी सेवा में स्वाहा हो जाए, तन भी स्वाहा करना है, धन भी स्वाहा करना है और मन की ताकत भी स्वाहा करनी है, तो टाइम कहाँ है? बाबा तो बोलते हैं बच्चों से उठो ना, बच्चा तो होता नहीं। हाँ वही बच्चे नंबर वाला है ना। एक्चुअली क्या है, बीके में हम लोग जो थे मतलब सिखाया वो सिखाया गया, वही चीज अभी तक वो पूरी तरह जाने चली आ रही है, कुछ कुछ चीजें थी पड़ जाती है तो दिमाग में रह जाती। बाबा अभी दो माताओं को जो ये जो शकुंतला माता लीलमा इनको जो फर्स्ट जो पिक्चर है त्रिमूर्ति की उसको ऐसे ढंग से ना रिप्रेजेंट करना थोड़ा एक वो बनाया है, वो अब इनके पास है, मुझे भूल गया था, वो मैंने प्रियम भाई को दिया था कि मतलब स्टेजेस के अनुसार वो बताने उससे समझाने में बहुत आसानी होती है और समझ भी जल्दी आता है, जिस जिसको भी समझा रहे हैं ना वैसे ही कि त्रिमूर्ति का तो बहुत इफेक्टिव लग रहा है और उनको तुरंत तुरंत मतलब एकदम दिमाग में आता जा रहा है। अब मेरे पास वो बना हुआ नहीं है क्योंकि मैंने प्रियम भाई को दिया अपनी युगल को समझाने के लिए लेके गए थे, इन्होंने भी बनाया है, ध्यान नहीं आया कि आप लेके आ जाते फिर आपको दिखाते और उससे बहुत अच्छी, लेकिन वही चीज़ दूसरी पिक्चर्स में कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है, मैंने बहुत ट्राई करी दूसरी पिक्चर्स के जैसे लक्ष्मी नारायण के पिक्चर में दो मतलब लक्ष्मी नारायण को और राधा कृष्ण और राधा को अलग अलग करके बाकी और नहीं हो पा रहा है, उसका कोई और मतलब और तरीका हो सकता है क्या?
चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं जैसे त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति के वैसे एक एक्सप्लेनेशन में है, चार चार घंटे एक्सप्लेनेशन देते हैं, चार घंटे एक्सप्लेनेशन को उसको सारांश में इन्होंने फिगर में कन्वर्ट किया है, एनालिसिस करते हैं अंत तक किसका क्या पार्ट, आदि से अंत तक बारी बारी किसका पार्ट है, क्या क्या पार्ट है आदि से अंत तक सिस्टमेटिकली इसका मतलब एक डायग्राम बना के लिखा हुआ डायग्राम बनकर बारी बारी डायग्राम करने उस चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो वो डायरेक्ट एक्सप्लेन करने के बजाय डायरेक्ट सार में समझाते जाए तो वो जल्दी पकड़ लेता है। मूल बात तो कोई भी कोर्स दे या कुछ भी करे बुद्धि में, मूल बात बुद्धि में बात की पहचान पहचान करनी, ढेर सारे पॉइंट ऐसे हैं जो बात की ओर इशारा करते हैं, वो इशारा हो किसी तरफ होता ही नहीं, होता ही नहीं, बुद्धि उसके आना चाहिए ग्यारह बात की तरफ, हाँ क्या वो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, ये जो पॉइंट बोला है ये एक ही की तरफ लागू होता है और किसी तरफ लागू होता ही नहीं, जैसे देश के निकल रहे हैं विष्णु पार्टी बनकर के बैठे हुए हैं वो स्थापित करना चाहते हैं अपने बात में, लेकिन मुरली में कोई पॉइंट उनके लिए ऐसा लागू नहीं होता, वही तो बार बार हम लोगों को बोलना है कि मुरली हमारी लाठी है उसी को पकड़ के आगे चलना है, पार्टी किसी की बात सुननी नहीं है, बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर के माता पिता कैसे बुलेंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर के माँ बाप मोर लोग उसको कैसे, ब्रह्मा तो रचना है तो उसका माँ बाप हो गई, जब ब्रह्मा है ही रचना है ब्रह्मा का बाप कौन, मुरली में बोला बाप कौन, तो जरूर कोई बाप होगा तभी तो बोला है, ब्रह्म का बाप कौन, बाप होगा तो अम्मा भी होगी, अब विष्णु कोई अलग से होता नहीं, तो चार आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन है, चार का हो पांच का हो, रही शंकर, शंकर तो नाम ही शंकर है, माँ बाप के स्वभाव का कॉम्बिनेशन उसको होता है शंकर, तो ब्रह्म का पार्ट भी मिलते हैं, आत्माओं का बाप वो भी मिलते हैं, मनुष्यों का पिता वो आत्मा भी मिलते हैं, तो शंकर कहा गया, तो शंकर का पिता या माता कोई है कि ना, जो सबका बाप है उसका पिता कौन होगा, जो सबका टीचर है उसका टीचर कौन होगा, अगर कोई है तो उसको समझाया कि वो पार्टी में है, ढेर की ढेर विष्णु पार्टी निकल रही है, लेकिन इतनी विष्णु पार्टी जो निकल रही है वो सब है तो वही लोग जो एडवांस को ले चुके हैं और भर्ती कर चुके हैं कंप्लीट हो जाके, तो उनको क्या मना कर दिया है कि तुम आकर के बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, लेकिन वो खुद डरते हैं, हम तो बात करने काबिल ही नहीं, हम सामने जा ही नहीं सकते, हमारी बात चलेगी नहीं, तो पीछे पीछे डिस्टर्ब करते हैं, प्लान करते हैं, सामने आगे बात नहीं करेंगे, पावर ही नहीं है वो, झूठ के पाँव नहीं आते हैं जी, बाबा आदि में ब्रह्मा बाबा की बहन निराधा बच्ची, और वो ब्रह्मा बाबा जो साक्षात्कार हुए उनको वो गीता माता को बताए, ब्रह्मा बाबा को जो साक्षात्कार हुए हाँ वो गीता माता को बताए, ठीक है वो राधा बच्ची को क्यों नहीं बताया, वो तो उनकी ज्यादा ज्यादा क्लोज थी उनसे, बहन से भी ज्यादा कोई और संबंध होता है जो ज्यादा क्लोज होता है, दिल की बात है दिलावर के कहते हैं बहन को नहीं कहते, संबंध होता है कि नहीं होता है, ये कलयुग की दुनिया है, कलकत्ता का
बाबा जो हैदराबाद में वो जो 3 घंटे कंटिन्यूअसली मुरली चली, डिस्कशन चली, सॉरी मुरली नहीं डिस्कशन चली, तो वो तो भाई मतलब वो कोई डायरी खोल के थोड़े बैठता, डायरी खोल के तो नहीं, ऑटोमेटिक आते जा रहे थे क्वेश्चंस के और धड़ा 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 बोलता चला जाता है, बाकी सब चुपचाप बैठे हैं, एक ही बोलता चला जाता है, इससे साबित नहीं होता है क्या? और सामान्य स्टेज में जब होता है तो उसके अंदर कोई कोई प्रश्न नहीं, व्यक्ति एक ही है, उसके रूप दो है। लेकिन कई बार कहते हैं प्रवेशता में थोड़ा सा तो मतलब कुछ चेहरा मोरा कुछ तो वो होता है, लेकिन वो तो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था। हिंदू के स्टेज में जब प्रवेश चालू हुई है तो उसका चेहरा मोरा बदलता थोड़ा ही है, तो जो आत्मा प्रवेश कर रही हो क्या एडवांस की शरीर थोड़ी भी आत्मा रही है? एडवांस की शरीर थोड़ी हुई नहीं है, बीजे की भी शरीर थोड़ी हुई है, हर बात मान भी तो जाती है समझाने से। सभी आत्माएं पहले विरोध करते हैं क्या बाबा? जब तक समझ में नहीं आएगा तो विरोध करेंगे ना, दूसरे धर्म के होंगे, दूसरे के फॉलोअर्स होंगे, गुरुओं के फॉलोअर्स होंगे, तो बड़े गुस्से में आ जाते हैं। वो भाई लेकिन वो भाई है ना हर डिस्कशन में बहुत पूछा है, वो पूछता है वैसे हर डिस्कशन में पूछता है, बिल्कुल क्वेश्चन कंटेंट होते हैं उसके, कमाल है। अभी तो नॉलेज भी रखता है वो, ना वो पूरा स्थितियों का देखते होंगे, नॉलेज भी रखता है, इसने ऐसा देखा ऐसा बोले तो बाबा ऐसा ऐसा वो सब पूछते कलम का भारी अवतार कब गाया था आपके बिना ही या नहीं? ज्यादा कलम कब लगेंगे? जब ज्यादा काला बनेगा तब कलम लगेंगे, थोड़ा काला होगा तो दो कलम ज्यादा लगेंगे, काला होता जाता है कलंक लगते जाते हैं। बाबा गुरु गोविंद सिंह को भी कलंक इधर भरते हैं, सिखों के जो 10 गुरु बताए गए हैं वो भी तो यही को फॉलो ही तो किया है, सनातन धर्म को, सनातन धर्म में भी 10 गुरु हैं, 10 धर्मों के 10 मुखिया हैं, 10 जड़े हैं। लेकिन उनको तो कलंकी धर्म बोलते हैं, कलंकी धर्म नहीं बोलते हैं, कलंगी दर बोलते हैं, जहाँ तक मुझे ध्यान है गुरु गोविंद सिंह को। नहीं तो कलंकी नहीं बोलते, कलंगी बोलते हैं, कलंकी और कलंगी में क्या अंतर है ये तो नहीं पता है, होता है कलंकों का ताज जो है वो कलंक कलंक कहलाता है। 2018 में सतन युग के कृष्ण के प्रतिष्ठा का समय ग्रुप गोपियों के करने का मुकसद होगा, क्या 16,000 ग्रुप गोपियों का थोड़ा काम ढूंढ लेंगे, एकदम करते थोड़े थोड़े जैसे शुरू में 300-400 ब्रह्मा बाबा के साथ गए थे, वैसे ही 300-400 की बात हुई, अभी 600 है, आगे चल के और बढ़ते जा रहे हैं, जब प्रकटता होगी तो हजारों की तादाद हो जाएंगे। लेकिन संपन्न बनने में तो टाइम लगेगा, एक जैसा को खराब ही नहीं है सबका, जो सब एक साथ संपन्न बने। तो बाबा ये सचेत हो कृष्ण की रोज जन्म कब होगा? सचिव होगा तो स्थूल सचिव होगा तो स्थूल जन्म भी होगा, संगम भी है तो संगम भी कैसे हो गया, संगम भी कृष्ण का शास्त्र हो जाएंगे, सचिव कृष्ण का शास्त्र को ही गायन नहीं, अगर सचिव कृष्ण संगम युग में हुआ होता तो उसका शास्त्र में भी गायन होता, कुछ शास्त्र गायन है नहीं, शास्त्र में तो कंती जयासिंह जी के 7 वाले कृष्ण का गायन है, जो कंती जरासिम जी शिशुपाल उसके पीछे पड़े हुए थे, गालियां देते थे, ग्लानी करते थे,
छत्तीस तक उनका कॉर्नेशन होगा बोलते हैं है? तो छत्तीस 2036 तक तो विनाश ही हो पाएगा दुनिया का, टोटल विनाश होगा तब जाकर के शास्त्र शरीरों का जन्म होगा। ये रूप से चंकाया वाले शरीर तो कॉर्नेशन का वो देखने लेकिन यहाँ आत्माओं का होता है। ये बात में गणित कर रही है यही कॉर्नेशन है कि आत्मा संपन्न बने प्रवेश करे कारण हो बाबा कार्तिक माह में प्रभात फेरी क्यों करते हैं? प्रभात फेरी कार्तिक माह में क्यों करते हैं? दीपावली के बाद होती है के बाद ही होता है ना प्रभात जब होगा प्रभात माने चलेगा सवेरा जब होता है तभी तो प्रभात फेरी होगी। जब देवताएं बने तो उनको प्रत्यक्ष किया जाए एक होता है जड़ देवताओं को प्रदर्शन करना और एक होता है मित्रों को प्रदर्शन करना। जड़ चित्रों को तो फिर भी समझाना पड़ेगा तब समझेंगे लेकिन चैतन्य चित्रों को समझाने के लिए सरकार ने देखने से ही पता लग जाएगा कि हाँ ये वो आत्मा है। ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं कहा है तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हें इनका कष्ट महसूस नहीं होता है कि इनको इतने गिरे हुए उठाने के लिए किनको संदेश देना है आम जन के लिए कहा है कि कुछ स्पेशल किसी को पहले तो अपने परिवार का सुधार परिवार का सुधार ब्राह्मण परिवार में ही ऐसे नहीं पड़ा हुआ है भगवान आया हुआ है अपना कार्य कर रहा है और उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन बाबा जैसे उनको बताते हैं तो उन लोग तो मानते नहीं है जैसे कि मैं टीके में बीच बीच जाता हूँ और उस दिन जैसे परसों मैं जाके बैठा तो एक ऊपर में योग चल रहा था टीके में जाके बैठा तो एक भाई आया अरे भाई आजकल आप दिखते नहीं हुए हो फिर आके बैठा फिर बोले आप तो वहाँ पे जाते हो मैं बोला हाँ सही सुने हो फिर बोले अच्छा बताओ वहाँ होता क्या है क्या बताते हैं तो मैंने पहले त्रिमूर्ति का ही उसमें बताया कि देखो बाप आया है तो त्रिमूर्ति के साथ आया है तो ब्रह्मा तो पार्ट होके शरीर छोड़ दिया और विष्णु का पार्ट आएगा वो तो सभी रूम में तो शंकर का नहीं चलेगा क्या? तो बोलता है शंकर तो विनाशकारी है। तो मैं बोला विनाश कैसा होगा? पहले तो ब्राह्मण पहले विनाश जो भी चीज़ होता है ब्राह्मण का होता है बाद में दुनिया का। तो समझाने के बाद कोई आ गया था तो मैंने बोला तुम अलग से मिलना तो मैं क्या बिछड़ी में जाके तो लेकिन बहनों को भी ऐसे बातचीत होता है तो सुनाता हूँ तो उनको क्या उतना तो ले नहीं पाता है समझ मतलब अपने को मानते नहीं है होता नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता ऐसा ये है तो ये जो है तो इस प्रकार का सेवा में तो मानते नहीं है वो जिनको गति मिली हुई है वो क्यों मानेंगे वो जानते हैं कि हमारी गति चली जाएगी हमको जाकर फिर कोई झाड़ू लगाना पड़ेगा एडवांस पार्टी में जो बड़े बड़े और बैठे हुए एडवांस पार्टी में गद्दियों पर वो हमारे ऊपर कंट्रोल चलाएंगे तो क्यों माने बाबा कई जगह पर आपका परिचय अभी तक नहीं है आपका परिचय नहीं मिला है तो वहाँ पर कैसे सेवा करनी चाहिए जैसे शंकर का यानी कि परिचय परिचय नहीं मिला है मैंने ब्रह्मा कुमारी का आश्रम है लेकिन शंकर का पाठ कर नहीं सकता तो वहाँ पर कैसे सेवा करनी चाहिए सुनाना पड़ेगा ना बाबा सुनने वालों को ठेस न लगे हाँ उसकी भावनाओं का ध्यान रखते हैं अकेले में बात करना ज्यादा अच्छा औरों के सामने बात करें तो उनको दे अनुमान आ जाएगा जैसे कि बाबा मैं उनको मालूम है कि मैं यहाँ का क्लास करता हूँ जाता हूँ सब लेकिन फिर भी मेरे को बुलाते हैं तो मैं भी जाता हूँ वहाँ जब अकेले में कभी ऐसे बातचीत होता है कोई किसी के साथ तो सुनते हैं बात करते हैं अकेले हैं बात करते हैं औरों के सामने उनको बेइज्जती हाँ और बाबा क्या बोलते हैं कि शिव बाप जो है उनका कहना यही है
वो कैसे आ सकता, वो तो एक बार बोलिया इसीलिए वो दादा मतलब ये करते हैं। उनके बुद्धि में बाबा बैठ के मैं आकर के ज्ञान सुना के चला जाता हूँ, इसलिए आता हूँ ज्ञान सुनाने के लिए आता हूँ, फिर कथा को पावन बनाने के लिए आता हूँ, पति का पावन करने पावन तो कोई बने नहीं, आकर के चले गए ज्ञान सुना के तो काम पूरा हो जाता है। क्या क्या है उनके बुद्धि में नहीं बैठता है, जैसे कि एक युगल को हमारे युगल में एक युगल को अच्छे समझाए सीढ़ी भी सुनवाए कि मतलब आने के लिए भी तैयार, अचानक क्या हुआ जैसे दादी का एक काम हुआ बस वो ये हो गया, मतलब निश्चय हो रहा था पूरा ये हो गया। इस प्रकार का सेवा में तो सेवा तो शुभ भावना से करना चाहते थे, वो स्पीड नहीं हो पाते, उन लोग क्या सुन के भी न सुनने के ऐसे हो जाते। ब्रह्म कुमारी अंचल में एक चित्र है उसमें परम पिता और धर्म पिता के बारे में बताया गया है, ऊपर में परम पिता का चित्र बताया गया है, चित्र परम हाँ परम पिता का चित्र परम पिता और यहाँ पर धर्म पिता का चित्र बताया गया, सब है ना धर्म पिता बैठे हुए, बीच में है ना शंकर बैठा हुआ है, वो हुगली वालों ने चित्र बनाया लेकिन माउंट आबू वालों ने चित्र को रिजेक्ट कर दिया है, पर अभी भी सुनाते हैं ना बताते हैं वो चित्र जहाँ पहुँच गया है वहाँ वहाँ उसके चित्र अभी भी कहीं कहीं समझाते हैं, बीच में शंकर बैठा हुआ आस पास धर्म पिता बैठे, धर्म पिता को तो समझा दे परंतु शंकर का नाम लोग नहीं लेते, शंकर है ना सनातन धर्म का हेड है ऐसा नहीं समझाते, ऐसा समझाओ क्या उनको अब तो बुद्धि में बैठा नहीं क्लियर ही नहीं हुआ तो दर ये है कि क्लियर करें तो करें बेटा बस बस वही 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 बाबा वही थी, हम भी जो जाते हैं इसलिए योग योग अकेला अकेला कोई मिलता है उन्हीं को पॉइंट बताते हैं, ये शंकर पार्टी में गए इनसे मिलना है हाँ लेकिन धीरे धीरे जब देखे तो अब धीरे धीरे बात करने लगे, एक दो दिन नहीं जाऊँ तो पूछते हैं, लेकिन हम भी मौका मिल के जैसे ही मौका कोई मिलता है तो उनको हम भी कुछ सुना देते हैं। पुल बना ना लंका का पुल पत्थर है जो लंका से कनेक्शन जोड़ लेते हैं, माथा उनका बात नहीं होता है। मोस्टली तो ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमारों की जो सर्विस करने जाते हैं एडवांस पार्टी वाले वो अपना ही माथा भारी करके चले जाते हैं, तो उनके पत्थर कैसे बनेंगे भारी हो जाते हैं। बाबा बाप की प्रत्यक्षता बच्चों से होगी तो ये कौन से बच्चे होंगे जो बाप की प्रत्यक्षता करेंगे, जो दरवाजे सजाए नहीं खाने वाले होंगे वो अब्बा नंबर होंगे पहले, चलन और चेहरे से ही प्रत्यक्ष करेंगे ना, कि माँ डाल करके प्रत्यक्ष करेंगे अच्छी होगी ये भी तो कहा है कि बाबा तो अकेला कुछ नहीं कर सकता है, बच्चों के साथ ही बच्चों के द्वारा द्वारा बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, बाप के बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, मोस्टली ये समझा जाता है ब्रह्म कुमार कुमारी मोस्टली ये समझते हैं, एडवांस पार्टी वाले भी यही समझते हैं, कोई बड़ा आदमी निकल आएगा तो प्रत्यक्ष, अरे बड़े आदमी वो कहाँ से प्रत्यक्षता हो जाएगी, बड़े आदमी थोड़ी बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, उन्हें तो ज्ञान कोई नहीं समझा, जैसे बाबा अफेक्ट वाणी में बोला है आप माइक तैयार करो बोलने वाले तैयार करो, हाँ माइक और माइक में बहुत अंतर है, तो माइक को जब अनुभव ही नहीं होगा तो कैसे बताएगा बाबा, जो माइक बनेगा जो आत्मा जैसे मनमोहनी दीदी को माइक बताया अगस्तवाणी और कुमार का दादी को माइक बताया
ज्यादा पावरफुल दोनों में कौन हुआ? मनमोहनी ज्यादा पावरफुल हो गई। तुम्हारे का दादी माइक है, बोलने वाली है, बोलने वाली, लेकिन असर नहीं पड़ सकता, बात नहीं पड़ सकती। और कुमार का दादी वो दबोच लिया जगदीश भाई, जगदीश भाई जैसे चलाते रहे वैसे कुमार का दादी चलना पड़ा। तो पावर में कौन कौन हुआ? जगदीश भाई ज्यादा पावर हुई कुमार का दादी पावर, जगदीश भाई के बाद बड़े माइक हो गए। अब्जेक्ट भाई को तो बोला हुआ है थोड़ा अब्जेक्ट का चेहरा ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा, अब्जेक्ट एक बाप को प्रत्यक्ष करेगा, बच्चे के एकदम चेहरा बाप को प्रत्यक्ष करेगा। तो बोल बोल थोड़ी प्रत्यक्ष करेगा बाबा, बताया कि कुछ बच्चे दिल तक नहीं और कुछ पलक के डर के लिए बता, ये कौन है? कौन दिल तक पे, कौन पलकों पे बिठाने के लिए बिठाने? दिल और आंखें, जो आंखों में सदैव याद रहे, आंखों में बसे रहे, आंखों में तो वही बच्चे रहते हैं बाप से जो ज्यादा सेवा करते हैं, ज्यादा सेवाधारी बच्चे हैं वो दिल पर सवाल होते हैं। दोनों एक ही है, पलक पे और पलकों पे बिठा के ले जाऊंगा, मैंने गति और वाइब्रेशन दोनों की ताकत उनको मिलेगी। दुनिया में भी तो ऐसे ही होता है, जो बच्चे बाप की दुकान को संभालते हैं वो ज्यादा प्यारे लगते हैं, मटर गस्ती करते रहते हैं वो थोड़े प्यारे लगते हैं। बाबा ये अभी रमान से जैसे बाप का पार्ट स्पष्ट हुआ, तो ये सदगुरु का पार्ट वो कैसे स्पष्ट है? बाप पहले टीचर, टीचर की पढ़ाई पूरी हो सब कर लीजिए, सख्त पार्ट है बाप और टीचर, तो फिर भी प्यार से चलाएगा, प्यार से संभालेगा, सदगुरु किसी के नाम में है नहीं देखेगा। तो वो पार्ट कब से है बाबा? जब विनाश शुरू होता है तो वो पार्ट ही शुरू होता है। तो विनाश तो साथ साथ चल रहा है ना बाबा, स्थापना और विनाश कर रहे हैं। स्कूल में कोई संगठन बना है क्या? अभी स्कूल में राजधानी बनी है क्या? ऐसा कोई राज्य स्थापन हुआ है जहाँ एक राजा हो, एक राज्य हो, एक भाषा हो, एक कुल हो, एक मत हो, ऐसा कोई राज्य स्थापन हुआ थे? जब राज्य स्थापन हुआ तो विनाश कैसे हुआ? सूक्ष्म बुद्धि में कह सकते हैं, सूक्ष्म में बुद्धि में स्थापना हो रही है, बुद्धि में विनाश हो रहा है, बुद्धि में विनाश की घोषणा की थी तो कोई संसद में विनाश थोड़ी हो गया दुनिया, दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही थी, ब्राह्मणों की संख्या में जो पक्के ब्राह्मण थे बेसिक पार्टी उनका वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने लगे, अभी भी जा रहे हैं। जहीन वर्ग है बेसिक में है वो सारा डिस्टर्ब नजर आ रहा है, इसीलिए तो बोला है जब बाप आते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े मनुष्य, बड़े बड़े हौलेदार सब मूर्ख बन जाते हैं। पार्टी और जो कन्वर्ट होकर जो जाते हैं,
जो आत्माएं कन्वर्ट होंगी लॉर्ड ड्रामा में, वही जैसा कि विष्णु पार्टी करके जरूर जाएगी, दूसरों को पाप बनाएगी, वहां भी धोखा दिया था, द्वारा चले गए कन्वर्ट हुए थे, यहां भी कन्वर्ट हो गए। पता है कि विष्णु तो कोई अलग से रूप नहीं हो, तो कॉम्बिनेशन है चार आत्माओं का, फिर भी वो लोग कैसे पार्टी बना के बैठ जाते हैं? ये तो आता है कि देखो अभी ब्रह्मा का पार्ट रहा, शंकर का पार्ट रहा, विष्णु को भी क्लियर नहीं हुआ, तो विष्णु अंबर का भी बैठे, लेकिन वो तो सत्य में होगा ना, तो उनको वो बुद्धि में क्यों होगा, विष्णु कोई सत्य की चीज है, इन देवता है सत्य की है, प्रणाम नहीं पटक क्यों है, जो बात नहीं सत्य की, प्रैक्टिकल जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो संगम में प्रत्यक्ष होगी, यह सभी में प्रत्यक्ष होगी, ब्रह्मा जी द्वारा सुनना सुनाना हुआ, शंकर जी द्वारा समझना समझाना हुआ, तो प्रैक्टिकल कौन करेगा, प्रैक्टिकल करने वाले भी कोई होंगे, जरूर प्योरिटी वाले होंगे, जिनमें प्योरिटी की जन जन्मांतर की ज्यादा ताकत है, वो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे।